अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल निम्स इन्फो डायरी। और आज हम आपके लिए जो है बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आए हैं। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं दाल के कोफ्ते। आपने गोश्त के कीमे के कोफ्ते बहुत खाए होंगे, लेकिन दाल के कोफ्ते शायद आपने नहीं खाए होंगे। तो चलिए आज हम दाल के कोफ्ते बनाते हैं। तो इसके लिए जो है इंग्रेडिएंट्स आप लोग नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हमने मसाले को कूटा है। इसमें हमने एक प्याज, एक टीस्पून गरम मसाला और लहसुन के हमने 5-6 जवे लिए हैं, और इनको हमने जो है वो अच्छी तरह से कूट लिया है। इसके बाद हमने जो है वो 2 कप दाल ली है, जिसको हमने भिगो के रखा हुआ था ओवरनाइट। तो उसी मसाले के अंदर हमने जो है वो दाल को भी कूटना शुरू कर दिया है। दाल को हम थोड़ा थोड़ा करके कूटेंगे, इसको हमने ग्राइंड नहीं करना, बल्कि इसी तरीके से हमने कूटना है। अगर ग्राइंड करेंगे तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो बाइंड नहीं होंगे। तो दाल को हमने थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह से कूटना है, बस थोड़ा थोड़ा से इसको हमने मोटा रखना है। तो दाल हमारी जो है वो सारी कूटी जा चुकी है। अब इसमें हमने जो है वो 1 टीस्पून नमक डाला है, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और हमने रेड चिली पाउडर भी जो है वो इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने जो है वो हाथों की मदद से इसके गोल गोल बॉल्स बना लिए हैं। तो 2 कप दाल के हमारे जो है वो 11 से 12 कोफ्ते जो हैं वो तैयार हुए हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। हमने एक पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसमें हमने अपने तैयार किए हुए बॉल्स को डाल देना है, और इनको हमने जो है वो दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्राउन करना है, और हीट को हमने लो रखना है। और जब सारे बॉल्स हमारे जो है दोनों साइड से ब्राउन हो जाएंगे, तो हमने इनको निकाल लेना है। बहुत एहतियात के साथ इनको आपने फ्राई करना है, इनको ज़्यादा आपने पलटना नहीं है, वरना ये टूट जाएंगे। अब मसाले की बारी आती है। तो आपने जो है वो सबसे पहले अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लेना है, रेड चिली पाउडर अपने 1 टीस्पून, हल्दी भी 1 टीस्पून, और जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने 1 टीस्पून लेना है, और आपने 3 ग्रीन चिलीज लेनी है, 2 मीडियम आपने प्याज लेने हैं, 2 मीडियम टमाटर लेने हैं, और आपने जो है वो लहसुन के 10-12 जवे लेने हैं। और इसके अलावा जो है हम 2 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। हम आलू डाल के पकाएंगे। तो हमने जो है पहले अपना मसाला जो है वो कट करके प्याज, टमाटर और नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन हमने जो है वो गलने के लिए रख दिया है। तकरीबन 1 कप हमने पानी डाला था, और इसको हल्की आंच पे हमने जो है वो 10 मिनट के लिए गला लिया है। इसके बाद हमने जो है इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल शामिल करना है। तो 1 कप ऑयल डालने के बाद हमने इसको जो है वो अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। तो मसाला हमारा जो है वो भून चुका है, ऑयल इसका ऊपर आने लगा है, तो हमने इसमें आलू काट के डाल दिए हैं। आलू को भी हम मसाले के साथ 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। हरी मिर्चें भी जो हमने ली थी वो भी अब शामिल कर दी हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं आलू हमारे जो है वो भूने जा चुके हैं। तो अब हम इसमें जो है वो तकरीबन 2 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हमने इसमें अपने कोफ्ते शामिल किए हैं, और हमने इनको तकरीबन 5 मिनट के लिए और पका लेना है। तो दाल के कोफ्ते जो हैं वो हमारे बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं। आप भी हमारी रेसिपी से ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस कीजिए, और उसके साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिए, तो आपको हमारी हर आने वाली रेसिपी जो है वो सबसे पहले मिलेगी। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।